हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता है, वोटर कार्ड की कोई भी काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि न्यू अप्लाई से लेकर कोई भी करेक्शन और डाउनलोड एपी कार्ड यानी कि वोटर कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। तो दोस्तों, आप वोटर सर्विस की कोई भी काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पेज पे यानी कि नेशनल वोटर सर्विस के इस पेज पर यूजर आईडी क्रिएट नहीं करते हो तो दोस्तों आप ऑनलाइन की कोई भी सुविधा आप उपयोग नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस में बताएंगे आप यूजर आईडी ऑनलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। सिर्फ आप अपने मोबाइल फोन की मदद से या तो फिर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो दोस्तों आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप देख के आप भी अपना घर बैठे मोबाइल फ़ोन की मदद से यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हो और यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद ऑनलाइन वोटर सर्विस की कोई भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक, ईमेल आईडी लिंक या तो फिर अपने वोटर कार्ड में किसी भी तरह के करेक्शन आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना ले तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा के वॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का नई नई जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल से या कंप्यूटर से नेशनल वोटर सर्विस की यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है NVSP और सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सबसे ऊपर देख सकते हो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो दोस्तों, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे लॉगिंग बाय रजिस्टर यानी कि लॉगिंग के अंदर आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस पेज में जब तक आप यूजर आईडी क्रिएट नहीं करोगे इसके अंदर कोई भी काम आप नहीं ऑनलाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस पेज पर विजिट करें तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिंग बाय रजिस्टर पर क्लिक कर देना है और लॉगिंग बाय रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हो मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड। तो दोस्तों, अगर आप इस पेज पर ऑलरेडी विजिट किए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड और यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्चा कोड फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पेज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी कि इस पेज में अभी तक आप यूजर आईडी क्रिएट नहीं किए तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। तो दोस्तों, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कैप्चा कोड। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भी फिल कर देना है और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपके यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, सेंड OTP में क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को वेरीफाई कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैंने अपने मोबाइल नंबर और कैप्चा को डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक कर देना है और सेंड OTP में क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है और OTP फिल करने के बाद आपके यहाँ पे वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं गया है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट OTP। तो दोस्तों, आप यहाँ पे रिसेंट OTP में क्लिक करके आप फिर से अपने मोबाइल नंबर पे OTP भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना OTP फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना OTP फिल कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नंबर वेरीफाई यानी कि मेरा मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आई हैव एपिक नंबर। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और आपके पास एपिक नंबर है तो दोस्तों आपको यहाँ पे आई हैव एपिक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है यानी कि वोटर कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आई डोंट हैव एपिक नंबर। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आई डोंट हैव एपिक नंबर पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, और फर्स्ट नेम डालने के बाद आपके यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है, और लास्ट नेम डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी डाल देना है, और ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आई हैव एपिक नंबर, और आई हैव एपिक नंबर में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देना है, और वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद आपके यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, और ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दो ही प्रोसेस सेम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है आप यहाँ पे आई डोंट हैव एपिक नंबर पर क्लिक करके अपना नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास एपिक नंबर है तो दोस्तों आपके यहाँ पे अपना एपिक नंबर डाल देना है, और ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एपिक नंबर ऑलरेडी नहीं है, तो दोस्तों हम यहाँ पे आई डोंट हैव एपिक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सब कुछ फिल कर लेते हैं, और सबमिट में क्लिक करते हैं आपका यूजर पासवर्ड जो है क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के मदद से घर बैठे अपने यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हो नेशनल वोटर सर्विस के लिए। तो दोस्तों आप यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद ही आप नेशनल वोटर सर्विस के जितना भी ऑनलाइन काम है तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के मदद से या तो फिर लैपटॉप के मदद से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इस जानकारी से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर वॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के नई नई जानकारियां सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।